राजभर अनुसूचित जनजाति आरक्षण संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने हेतु सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में मोर्चा के संयुक्त निदेशक सुरेश राजभर ने बताया कि देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन वंचित समुदाय राजभर की सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक क्षेत्रों में अत्यंत दयनीय दशा को देखते हुए देश की मुख्य धारा में समाहित करने के लिए अनुसूचित जनजाति में शामिल करना आवश्यक है। इस अवसर पर मोर्चा के वीरेंद्र राजभर, शनि, राहुल, हरिवंश, राम प्रताप, दीनदयाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजभर अनुसूचित जनजाति आरक्षण संयुक्त मोर्चा के संयुक्त निदेशक सुरेश राजभर ने कहा, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, पर राजभर जाति को शामिल करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, 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 पर राजभर एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। पर राजभर एकता, जिंदाबाद। ये मांग पत्र है, संघ है, और आपके शामिल करने के लिए राजभर भर जाते हैं, राजभर तो उसमें इसका नाम दिया जाता है। और ये मांग जो है सर काफ़ी दिनों से, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इनको अनुसूचित जनजाति सुविधा मिल रही है ऑलरेडी पहले से, और अगर वहाँ मिल रहा है तो यहाँ भी मिलना चाहिए। इस नाते जो है कि हम लोग ये मांग करते हैं आपके द्वारा मांग करते हैं। हमारी मांगे पूरी हो। गोबरी प्रसाद भारद्वाज, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, भर राजभर जाति आज़ादी के बाद से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसको लेकर के भर राजभर जाति जिला मुख्यालय पे धरने के माध्यम से जो है शासन प्रशासन को जो है पत्र दिया जा रहा है। भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, एक सूत्री मांग हमारी है।